अरे बूम हटा ना कलकत्ता में एक्चुअली भोपाल में भी लोग बहुत पान खाते हैं तो आई लव पान ऐसी मैम अरे भाई चलो 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 आ जाओ रहीम भाई रोल कर रहे हो मैं स्टार्ट अर्शी बड़ी मुश्किल से देखते हैं आपको कहीं और आप जहां आया होगा आप बहुत फूडी भी है हम सबको पता है हाँ। क्या खास इस जगह के बारे में सबसे पहले चीज़ तो नॉनवेज है एंड आई लव नॉनवेज चाहे वो सीख हो चाहे अच्छा क्या मटन नान अमेजिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलकत्ते का मीठा पान खाते हुए हाँ। तो आप बताइए कि कैसा टेस्ट है हम भोपाली हैं तो भोपाली लोग बहुत पान खाते हैं तो मेरे अब्बा भी जब मैं भोपाल जाती हूँ तो बड़ा मेरे लिए मीठा पान रोज़ ला कर खिलाते हैं मुझे तो मैं पान की बहुत शौकीन हूँ उन्होंने भी मुझे सर्व किया अमेजिंग है मीठा पान क्या किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं जब भी आप किसी ब्रांड से एसोसिएट होती हैं या किसी ब्रांड के बारे में बात करती हैं तीन ऐसी चीज़ें जो आप जिसकी वजह से आप कनेक्ट करती हैं अपने आप इन ये खाने के जी हाँ खाने के लिहाज से खाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साफ़ सफाई बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखती है दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नॉन वेज है तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए ठीक है और खाना लजीज होना चाहिए शूट भी चालू है ये ऑन लोकेशन शूट भी हो रहा है उस फिल्म के बारे में वो बिल्कुल अलग अवतार में नजर आया जितना भी हमने ऑन लोकेशन देखा है वो एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है एंड रियल स्टोरी है जो एक गांव की लड़की है जो शादी करके आती है उसके साथ उस गांव में क्या क्या हादसे होते हैं वो पूरा रियल है एंड अमेजिंग स्टोरी है हाँ ये है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ तो मेरे डायरेक्टर को थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि मैं हंस रही हूँ फिर रो रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ऐसे हंसती हूँ ऐसे करके तो वो थोड़ा मैंने बहुत मेहनत करके रोई और वो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ मैं अच्छी एक्टिंग अर्शी वो जो जो पूरा ड्रेस ड्रेसअप है जो पूरा कॉस्ट्यूम है जो आपका ऑन लोकेशन है वो मुझे कहीं डर्टी पिक्चर की याद दिलाता है खास रेफरेंसेस थे नहीं 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 वो बिल्कुल भी डर्टी पिक्चर नहीं बहुत सीधी सादी लड़की है जिसके साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं जब वो शादी करके एक गाँव में आती है क्या रेफरेंसेस लिए थे आपने मैं फिर विद्या बालन की बात कर रहा हूँ वो जो खास करके वो कॉस्ट्यूम साउथ की भी याद दिलाता है साउथ का थोड़ा याद दिला रहा है लेकिन नहीं वो कुछ गाँव का एक लुक है वो यहीं के गाँव का है तो वो उसी तरीके से वो ट्रेडिशनल जो उनका ड्रेस है एक दुपट्टा ऐसे चुन्नी देना है एंड ये क्या होता है हाँ हाँ ऊपर का टॉप हाँ ऊपर का विद्या बालन से अगर उसको कंपेयर करा जाए रेड्डी पिक्चर्स उस बारे में क्या उनका जो कॉस्ट्यूम था विद्या बालन मैं बिग फैन हूँ मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैन हूँ हमेशा उनके पिक्चर्स देखकर सबसे पहले मैं सोचती हूँ उनको लाइक करूँ तो उनसे तो कंपेरिजन नहीं है लेकिन हाँ ये है कि मूवी बेहतरीन होगी और स्टोरी बहुत अच्छी है और जो आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं वो नामचीन नहीं है लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा काम है मैं क्यों म्यूजिक वीडियो मैं जो सब करे वो मैं क्यों करूँ मैं कुछ अलग तरीके की चीज़ें करूँगी और अलग लेवल पे करूँगी इंसान को हमेशा एक ही ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए कुछ अलग हो जाना चाहिए और मुझे मेरा पता नहीं रहता कि कभी भी कुछ मुझे यही नहीं पता था मैं सीजन 14 में जाऊँगी तीन दिन पहले पता चला घर भी खरीदा है उसकी भी अफवाहें बड़ी गर्म है मैं शुरुआत पहले भी खरीद चुकी हूँ भोपाल में मैंने बहुत सारे घर खरीदे अपने अपना खेती वेती सब करके रखी तो चलता रहता है ब्रेकअप हो गया और इसने मुझे हनीमून आइसक्रीम खिलाया और मैं बहुत खुश हूँ ब्रेकअप के बाद हनीमून आइसक्रीम खा दूँ अमेजिंग फूड खाना खाइए यहाँ पर आइए नॉन वेज का लुत्फ उठाइए फर्श दरबार है थैंक यू गाइस खाना खा लिया थैंक यू इधर आइए इधर आइए चलो इधर आ जाओ बहुत देर से ढूंढ रहे थे आपको कितना देर से इधर है अर्शी जी भूल गए बोले क्या है वो मैडम का हाउ आर यू बेबी थैंक यू आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग
बाइट भी ले लेंगे आज मैं हलक तक खाना खाऊंगी, हलक तक खाना खाया? खाएंगे। क्या खाओगे? तुम्हारा भी विजुअल ले लेना, तुम लोग जब खाना खाओगे तुम लोगों के भी होना चाहिए कि तुम लोग भी खा रहे हो। मुझे मत दिखाओ कि मैं ही खाना खाती हूँ। किशन को देखो, किशन तू भी ले ले कुछ, छोटू की तरह उड़ा था फिर पूरे में। और क्या, हम लोग का खाना यही खाया। क्यूट है, अच्छा है किशन। कुछ भी यार, कुछ बोल नहीं रहा। हाँ